21 दफा मांगों को लेकर छात्र संगठन नाक्सा के प्रतिनिधि दल ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात कर एक स्मारक लिपि प्रदान किया। स्मारक लिपि में बाराघाटी की विभिन्न समस्याओं को लेकर उल्लेख किया गया है और पत्रकार सम्मेलन के जरिए शिक्षक के प्रेस क्लब में छात्र संगठन नाक्सा के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। संगठन के उपदेष्टा रूपम नंदी पुरकास्ता ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र में लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने 33 नंबर आंगनबाड़ी केंद्र का अनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। लोगों में छाई खुशी की माहौल, उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखने का दिया आश्वासन। चरकालन राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर की जाएगी बृहत्तर सड़क अवरोध आंदोलन। बाराघाटी के उन्नयन संबंधित 21 दफा मांगों को लेकर छात्र संगठन नाक्सा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को दिया स्मारक लिपि। हर प्रकार के सहयोग बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन मुख्यमंत्री ने। सिलचर के 25 व 26 नंबर वार्ड में पेयजल परिसेवा से परेशान आबादी क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं परेशानी, पत्रकारों को दिया जानकारी। सीजर के तारापुर शिवबाड़ी रायगढ़ क्षेत्र में अष्टम प्रहर हरिनाम संकीर्तन कमेटी के उद्योग से भव्य कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया हरिनाम संकीर्तन महोत्सव। हजारों की तादाद में भक्तपान लोगों के बीच वितरण किया गया महाप्रसाद।